डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब मंच पे तशरीफ फरमा, कुरैश बिरादरी के तमाम ही जिम्मेदारान, अल हिंद कुरैश बिरादरी के तमाम ही जिम्मेदारान, पार्टी के इस वार्ड के तमाम ही जिम्मेदारान और मेरे सामने तशरीफ फरमा तमाम ही हमारे बुजुर्ग हजरात, नौजवान साथी, और जहां तक मेरी आवाज जा रही है ऐसी तमाम ही मेरी माँ और बहनें, मेरे साथियों ने आपके सामने बात को रखा। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि मुझको शहीद अब्दुल हमीद रोड पर एक और मीटिंग के अंदर जाना है। आप लोगों को पता है कि 20 नवंबर को असेंबली का चुनाव है और आप लोगों को और शहर की आवाम को 20 नवंबर को वोट देना है और यह फैसला करना है कि आइंदा 5 साल के लिए शहर का नुमाइंदा, शहर का एमएलए कौन होगा। और आपका फैसला 23 नवंबर को सामने आ जाएगा। इलेक्शन में अलग अलग पार्टियां शहर में प्रचार कर रही है, वोट मांग रही है। मैं भी वोट मांग रहा हूं और शहर की आवाम को 5 साल आज के एमएलए साहब का देखकर, सोचकर, समझकर फैसला करना है। शहर की आवाम को यह बात भी याद रखना होगा कि पिछले 5 साल हमने आज के एमएलए साहब को एमएलए बनाया था। उस वक्त तो उन्होंने एक नई पार्टी एमआईएम से इलेक्शन लड़ा, जज्बाती पार्टी, हैदराबाद से अवैसी बिरादरान आए, जज्बाती बातें की, एक मजहबी शख्स को एमएलए बनाया। शहर की आवाम ने सोचा कि शहर के अंदर तब्दीली आएगी, शहर का विकास होगा, शहर का डेवलप होगा। हमारे शहर के नौजवानों ने यह सोचा होगा उस वक्त कि असेंबली के अंदर जाकर मुसलमानों की नुमाइंदगी होगी, महाराष्ट्र के मुसलमानों के आवाज उठेगी उनकी हिमायत में मसाइल के ऊपर। शायद ये सोचकर शहर के नौजवानों ने भी वोट दिया। ये भाई पीछे बात मत करो, कौन है पीछे? शहर के नौजवानों ने भी ये सोचा होगा। शहर के नौजवान जज्बात में आए, जज्बाती फैसला किया, लेकिन आज शहर के नौजवानों से मेरा सवाल है, शहर की आवाम से मेरा सवाल है, क्या आपको 5 साल शहर को क्या मिला एमएलए की तरफ से, या जो जज्बाती बातें करने के लिए 5 साल पहले शहर में आए अवैसी बिरादरान, क्या 5 साल जब आपसे वोट लेने के लिए आए, वोट मांगने के लिए आए, उसके बाद जब वो हैदराबाद गए, उसके बाद से आज तक 5 साल गुजर गए, क्या आपका हाल चाल पूछने के लिए आए क्या? शहर में कितने मसाइल, शहर में मुसलमानों को कितनी तकलीफ, कितनी फिरका परस्ती बढ़ी, शहर की आवाम ने कितनी मुसीबतें उठाई,
शहर के नौजवानों ने कितनी जेल काटी, क्या कभी आपके आंसू पोंछने अवैसी बिरादरान आए क्या? यह शहर के नौजवानों को समझना। फिर इलेक्शन आ रहा है, फिर स्टैंड लगेगा, फिर अकबर आएगा, असद आएगा, फिर जज्बाती बातें होगी। आपने अगर जज्बात के अंदर, जज्बाती बातों के अंदर शहर के नौजवानों ने वोट दिया, क्या आपने वोट तो दिया, क्या आपका हालचाल पूछने के लिए अवैसी बिरादरान आए क्या? या जिस शख्स को आपने वोट दिया, आज के एमएलए को, वो तो बाजू में मुशायरे चौक में रहते हैं, क्या आपको कभी हालचाल पूछने आए क्या? कमालपुरे में या मोमिनपुरे में या हमारी मां बहनों का हालचाल पूछने आए क्या? अभी इलेक्शन आ रहा है, अभी इस्लामपुरे से बोले कल दौरा शुरू हुआ, क्या जरूरत है आज घर घर जाकर वोट मांगने की? क्या जरूरत है मुझे बताओ? अगर आपने 5 साल शहर का विकास किया, शहर का डेवलप किया, नौजवानों को नौकरियां दी, मां बहनों के काम किए, शहर के काम किए, बुनकरों के काम किए, तो आपको तो घर बैठना चाहिए था। आपको रोड मिल जाती थी, लेकिन क्या मजबूरी है आपको घर घर जाकर रोड मांगना पड़ रही है? इसका मतलब यह है कि आप 5 साल नाकाम हो गए, आपने शहर का कुछ काम नहीं किया, शहर के बुनकरों का कोई काम नहीं किया, शहर के नौजवानों का कोई काम नहीं किया, शहर के बुजुर्गों का कोई काम नहीं किया, शहर की मां बहनों का कोई काम नहीं किया आपने, आप नाकाम हो गए। इसके लिए आपको ये डर लग रहा है कि कहीं मैं इलेक्शन ना हार जाऊं, इसके लिए आप दर दर भटक रहे हो और वोट मांगने के लिए आप जा रहे हो। अगर किसी को कॉन्फिडेंस होता, क्या मैंने तो काम किया, मैं क्यों जाऊं? इसका मतलब आप मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए। मैं आज यहां मेरे बुजुर्ग बैठे, आप लोगों को याद होगा कि 2007 में आज के मेरे सामने तीसरा महाज बनाया, तीसरा महाज बनाने के बाद शहर की आवाम ने उनकी बातों को माना। तीसरा महाज यानी शेख रशीद साहब और निहाल अहमद साहब के खिलाफ में उस वक्त तीसरा महाज बना था और इस्लाम सियासत का नारा याद होगा मेरे बुजुर्ग, यही नारा था ना, बैतुल माल की हिफाजत का नारा था। कितने दिन गुजर गए, 17 साल हो गए ना, 17 साल, 17 साल क्या कम है शहर की आवाम ने आपको दिया? 2 मरतबा एमएलए बनाया, 3 मेयर आपके बने, 3 डिप्टी मेयर बने, स्टैंडिंग चेयरमैन बने, 27 सीट, 20 सीट हमेशा ही शहर की आवाम ने आपको चुन कर दिया। आपने जो इस शहर की आवाम से वादा किया था 2007 में, इस्लाही सियासत की बात की, बैतुल माल की हिफाजत की बात की, क्या हुआ, क्या दिया आपने शहर को 17 साल में? उस वक्त आप मजहबी इंसान थे, मजहबी शख्स थे, मुफ्ती थे, शहर ने मुफ्ती और एक आलिम के ऊपर भरोसा किया,
कि दो सियासी आदमी है वो कुशायर का कुछ कर रहे या नहीं कर रहे, आप पर भरोसा किया, विश्वास किया। 17 साल के अंदर भी शहर को आपने सुधार नहीं पाए, आपने इस्लाही सियासत नहीं की, आपने बैतुल माल की हिफाजत नहीं की। बैतुल माल तो आपके दौर के अंदर दादा भूसे साहब ने 800 करोड़ रुपया लूट के लेके चले गया और आपने कुछ नहीं किया, आपने बैतुल माल की हिफाजत नहीं की। आप किस मुंह से वोट मांग रहे हैं? 800 करोड़ रुपया लेकर ये 2.5 सालों में कॉर्पोरेशन से आपके टैक्स का पैसा, आपके टैक्स का पैसा दादा भूसे साहब ने अपने इलाके में ले जाकर तामीरी काम कर लिए। कोई बॉडी नहीं थी, कोई मेयर नहीं था, कोई कॉर्पोरेटर नहीं था, आप एमएलए थे, आपकी जिम्मेदारी थी कॉर्पोरेशन बचाने की, शहर का डेवलप करने की। आपको प्रसन्न मिला, आपको कुछ चंद फंड मिल गए, आपने हाँ में हाँ मिला दी और शहर को बर्बाद कर दिया, इसके जिम्मेदार तो आप हो, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। शहर की आवाम, आप सियासी हो, सियासी मुकम्मल हो चुके हो, बस हमारी यही गुजारिश है कि शहर को आप धोखा मत दो। जब आप के ऊपर हमारे जैसे सियासी लोग जब तनकीद करते हैं, जब हम आपके ऊपर सवाल उठाते हैं, तो आप जमीयत का बैनर लेके सामने आ जाते हो। नहीं नहीं, आलिम को मत बोलो, मुफ्ती को मत बोलो, एक आलिम में दीन है। अरे हाँ बाबा है, लेकिन आपने जब सियासत में आए, ठीक है 2007 में आप कॉर्पोरेटर नहीं बने, लेकिन 10 साल शहर की आवाम ने आपको वोट दिया, आपको एमएलए बनाया। हमारा सवाल एमएलए से है, आप बैनर कभी जमीयत का लेके आते हो, आप कभी मजहबी शख्स का लेकर आते हो, अच्छी बात, आप आलिम हो, मुफ्ती हो, आपको जो जिम्मेदारी हुआ अदा करो, लेकिन बाहैसियत आप सियासी शख्स के सामने आओ, शहर की आवाम के सामने वोट मांगो कि मैं सियासी हूं, मैं मेरे बनने के लिए आ रहा हूं मैदान में तीसरी मर्तबा, आप मुझे वोट दो चलेगा हमको। लेकिन आप तो भेष बदल के आ रहे हो, तो ये कम से कम मत करो, धोखा मत दो, खुला बोलो शहर के नौजवानों को, खुला बोलो शहर की मां बहनों को, खुला बोलो शहर की आवाम को कि मैं सियासी हो चुका हूं, मैं सियासी हूं और मैं एमएलए की हैसियत से खड़ा हूं। या तो ये बोल लो मैं जमीयत के इलेक्शन में खड़ा हूं, या मोतीमीन बनने का है मुझे दारुल देवबंद का, उसके लिए खड़ा हूं बोल दो। आप से सियासी इलेक्शन लड़ रहे हो, सियासी बात करो, ये तमाम ही चीजें आपको और शहर को समझना पड़ेगा। मैं शहर के बुनकर भाइयों से पूछना चाहता हूं, क्या मिला आपको, क्या मिला बताइए, 5 साल क्या क्या वादे किए गए, क्या मिला मुझे बता दो। ये जो सब्सिडी का लेकर आया था, जीआर आया था, तो वो तो मैं लेके आया, आपको क्या मिला मुझे बता दो। एमडी शूट हो रही है, पावर कंपनी आपको बिल थमा रही है, क्या एक बुनकर भाई ने बताना कि एमडी सूट का मीटर मेरा आज के एमएलए ने हल किया, बता दो। अगर एक एमएलए एमडी सूट का मसला 5 साल हल नहीं कर सकता, वो बुनकरों के कोई काम नहीं कर सकता, मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। दो मुझको मौका, इससे पहले मैंने काम किया बुनकर भाइयों का, साइजिंग का काम किया, पाली और वालोदरा के अंदर जब प्रोसेसिंग मशीन के ऊपर जब वहां सील लग गई थी, वहां गया, वो सील उठना चाहिए, दिल्ली गया, मालेगांव का कारोबार बंद हो चुका था, बेरोजगारी बढ़ रही थी, ताकि कारोबार शुरू होगा, प्रोसेसिंग शुरू होगी तो रोजगार चलेगा, साइजिंग का मामला हो,
हर मामले को मैंने हल करने की कोशिश की। दो एक मरतबा मुझे मौका, जो ये एमडी सूट है, पावर कंपनी है, बिजली बिल का मामला है, वो सब हल कर सकता हूं। ताकत से सलाहियत लगती है, लड़ना पड़ता है, अधिकारियों से बात करना पड़ती है। जब जाके मसला हल होता है, मैं शहर के बुनकर भाइयों से ये गुजारिश करता हूं कि आप जो भी सियासी फैसला आपको करना आप करिए। आपको हक है किसी को वोट देना या नहीं देना, यह आपको पूरा इख्तियार है, लेकिन कम से कम एक मरतबा संजीव जी से सोचो। 5 साल इस शहर के एमएलए साहब ने आपका कौन सा मामला हल किया, या आपके रोजगार में कौन सी बढ़ोतरी हो गई, क्या आपका रोजगार कौन सा तरक्की कर गया? कम से कम संजीव जी से सोच लो, ये रोजी रोटी का मसला है। ये 5 साल में एमएलए नहीं रहा तो भी मैं जो भी उनके भाई मेरे 5 साल मैंने काम किया, पावर कंपनी में ले जाकर उनके मसाइल को हल किया। मैंने 5 साल काम किया, जो भी मेरे पास आता था मैंने कभी भी किसी को वापस नहीं किया, चाहे वो मेरा हिमायती हो या मुखालिफ हो। मैं काम करने वाला शख्स हूं, मैं आपको लेकर चल सकता हूं। आइए मेरे साथ, हम मिलकर ये शहर की तरक्की, शहर की सनत की तरक्की कर सकते हैं। आइए, आज यहां पर कुरैश बिरादरी के दोनों जिम्मेदारान बैठे हैं, दोनों बिरादरी। ये 5 सालों के अंदर कुरैश बिरादरी के ऊपर कितनी मुसीबतें आई, आप खुद सोचिए। कुरैश बिरादरी के जिम्मेदारान कितनी मुसीबतें आई, कितने कुरैश बिरादरी के बच्चों को मॉब लिंचिंग के नाम पर अरे मारा गया, जख्मी किया गया, कई दिनों तक वो हॉस्पिटल थे। मुझे बताओ कि शहर के मेरे साहब ने कुरैश बिरादरी के बच्चे को अगर कोई मारता है, क्या एक मर्तबा भी आज के मेरे साहब ने असेंबली में आवाज उठाई, क्या आवाज उठाई के बता दो? अरे ये बकरीद के ऊपर तो गौ रक्षा वाले यहां तक आ गए थे, कुरैश मोहल्ले तक आए थे या नहीं बता दो, अगर झूठ बोल रहा हूं। जानवर खोलने के लिए क्या हुआ इस बकरीद के ऊपर? मार्केट के अंदर जो जानवर खरीदे गए थे शहर के आवाम के, उन्होंने घेर लिया। बकरीद का त्यौहार चले गया, हमारा फर्ज था, फराइज थे हमारे जो मजहबी, वो दिन निकल गए, जानवर नहीं मिला। एमएलए वहां जाकर के नहीं बोल सकते थे, वहां जाकर मार्केट कमेटी के जिम्मेदार को दम देना चाहिए था कि यहां बाजार लगती है, कानून के मुताबिक बाजार लगती है, और हमारे शहर के लोगों ने जानवर खरीदा और अभी के अभी ये छोड़ना चाहिए, ये तो वहां गई नहीं। इसका बुजदिली का काम, कई मरतबा इसे हालात आए, और हमारे शहर के दादा भिसे साहब मंत्री, वक्त के मंत्री, वीडियो चल रही थी आजकल, मैं देखा झोड़गे के एक व्यापारी को सहयोग होटल के सामने गाड़ी रोक के आज के एक मंत्री साहब ने भी उसको कनफटी मार दिया। और जब मंत्री साहब का प्रोग्राम का दावतनामा एमएलए साहब को मिलता तो ये सबसे पहले वहां हाजिर रहते और उनके पीछे पीछे घूमने का काम इन्होंने किया। आप देखो इतनी थी हुजूरी, क्या है ये शहर? क्या शहर बदलाव नहीं चाहता? शहर को समझना है, एक मजबूत क़यादत की जरूरत है। ये मस्जिद और मीनारों का शहर है, ये मुसलमानों की बस्ती है। ये शहर को संभालने के लिए एक मजबूत और ताकतवर लीडर की जरूरत है, ताकतवर एमएलए की जरूरत है। हमारे हुजूर किसान में गुस्ताखियां हुई कई मरतबा हुई इस महाराष्ट्र में, 9 मुसलमान एमएलए महाराष्ट्र में चुनकर आए थे 2019 में, 2 एमआईएम के थे, 2 समाजवादी के, 2 राष्ट्रवादी के, 3 कांग्रेस के,
हमारे हुजूर की शान से गुस्ताखी। मैंने तमाम ही पार्टियों का नाम गिनाया, कौन सा एमएलए ने गिरी महाराज के खिलाफ बोला कि इसको जेल में डालो, इस पर कानूनी कार्रवाई करो? किसी ने नहीं बोला, जबकि इनकी ज्यादा जिम्मेदारी थी। ये एमएलए के साथ एक मुफ्ती भी है, लेकिन इन्होंने आवाज नहीं उठाई, नहीं आवाज उठाई। मस्जिद में घुसकर मारेंगे, नीतीश राणे ने कहा, इन्होंने आवाज नहीं उठाई। मुझे बताओ, आपको ऐसा एमएलए चलेगा? नहीं। कर दो बदलाव, कर दो बदलाव। शहर की आवाम को बदलाव करना पड़ेगा। ये शहर को अगर बचाना है तो बदलाव करना पड़ेगा। शहर की सनत को बचाना है, ये शहर के मुसलमानों के लिए लड़ना है, ये शहर के नौजवानों के मुस्तकबिल के लिए लड़ना है, तो शहर की आदत बदलना पड़ेगी। मुझे तजुर्बा है 5 साल, 2014 से 19 तक मैं मिले, चाहे कुरैश बिरादरी के लोग यहां गवाह है। सतारा के एक शहर के अंदर गौ रक्षकों के लोगों ने मॉब लिंचिंग की, तो मैंने उनकी भी आवाज उठाने का काम किया। यहां पर जो तकलीफ दी गई तो भी मैंने आवाज उठाने का काम किया, आप लोग गवाह है। इस लल्ले चौक में एक 4-4 अंडा भुर्जी बेचने वाले को पुलिस ने मारा था उस वक्त, याद होगा आपको। उस वक्त भी वो एक अंडा भुर्जी बेचने वाला ये मेरे शहर का था, ये शहर के एमएलए की उस वक्त की जिम्मेदारी थी। उस वक्त तो मैं था, मैंने वो भी असेंबली के अंदर आवाज उठाने का काम किया। ये तमाम ही चीजें आप समझो, मेरे काम, मैं तो काम नहीं गिना रहा हूं, बहुत लंबा टाइम हो जाएगा। तमाम ही चीजें शहर को समझना है। आज मेरी मां बहने बहुत परेशान है, लड़की बहन योजना के लिए मेरी मां बहन मेरी अगर तकरीर सुन रही होगी, क्योंकि हमारे भाई लोग जब ड्यूटी पे चले जाते तो सरकारी कामकाज मेरी मां बहने करती है। नेशनलाइज्ड बैंक नदिया के इस पार थी, ये 5 साल के अंदर नदिया के उस पार नेशनलाइज्ड बैंक चली गई, जहां पर मेरी मां बहनों के अकाउंट है, जहां पैसा आया रात भर वहां पर गुजारना पड़ी। शहर के एमएलए मुसलमान है, आलिम है, और हमारी मां बहने बुरखा लगाकर जो पर्दे में रहने वाली है, याद में रहने वाली है, रात के अंधेरे के अंदर वहां पर बैंक के बाहर सोना पड़ा, ती शर्म की बात है। ये 5 साल के अंदर सब बैंक उधर गई, एफडी ऑफिस नीचे था, 3 माले पे चले गया, खरीदी बिक्री ऑफिस यहां कैम रोड पर थी, सडाना रोड पर चले गई, कैंपों में चली गई। क्या है इतनी खराब हालत हो गई है? मेरी मां बहनों से भी गुजारिश करता हूं कि आप बहुत मोम दिल होते हो। ये शहर के मेरे सामने चुन के आने के बाद आपको भी बेचने का काम किया, आपकी भावना को भी बेचने का काम किया, ये शहर को बेचने का काम किया, और इन्होंने शिवसेना और बीजेपी की मदद करने का काम किया, और करोड़ों रुपया रिश्वत ली और बेचने का काम इस शहर के मुसलमानों को किया। मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, मेरी मां बहने भी ये बात को ध्यान रखे। लोग आएंगे आपके पास, अलग अलग बातें करेंगे, लेकिन इस मरतबा अगर नेशनलाइज बैंक हमारे अपने इलाकों में होना चाहिए, एफडीओ ऑफिस नीचे आना चाहिए, खरीदी बिक्री का ऑफिस हमारे अपने इलाके में आना चाहिए, सरकारी ऑफिसेस हमारे इलाके में आना चाहिए, तो आपको एक मजबूत नुमाइंदे की जरूरत है, और मैं आपके लिए काम करने के लिए तैयार हूं। मैं वोट मांगने के लिए आया हूं, और मुझे उम्मीद है कि शहर का नौजवान, शहर का बुजुर्ग, शहर की मां बहने एक मर्तबा मुझे आप मौका दो, और मुझे उम्मीद है कि आप मौका दोगे।
यही बोलना था। और 20 तारीख को मेरा जो भी निशान होगा, मैं नॉमिनेशन फॉर्म जो मैं फॉर्म भरने जा रहा हूं उम्मीदवारी का, वो पीर के दिन 28 तारीख को जाऊंगा केडी ऑफिस से, आगरा रोड से, चार मीनार होटल से। सुबह 11 बजे आप वहां पहुंचे, मेरे साथ चलिए, मेरी हिमायत करने के लिए, मेरी सरपरस्ती करने के लिए, मेरे हाथों को मजबूत करने के लिए आप लोग तमाम ही लोग वहां पर पीर के दिन सुबह 11 बजे आइए। 12 बजे हम लोग जुलूस की शक्ल के अंदर जाकर वहां पर फॉर्म भरने का काम प्रांत ऑफिस में करेंगे। और जुमा के दिन खयाबान निशाद चौक पर इलेक्शनी जलसा पहला होगा, तो वहां पर भी 8 बजे पहुंचने की कोशिश करें। वहां भी मैं मेरा विजन, मेरे मकसद, जो मैं मेन मकसद लेकर चलना चाहता हूं, इसके लिए मैं आपसे वोट मांग रहा हूं, वो बताऊंगा। आप लोग वहां पर भी आए और वो जलसे को भी कामयाब करें। और 20 तारीख को फॉर्म भरने के बाद जो मेरा सिंबल होगा, मेरा निशान होगा, वो आपके सामने होगा। वो निशान पर बटन दबाकर मुझे आप लोग कामयाब करें, मैं इंशाल्लाह सबको साथ लेकर चलूंगा, ये वादा करता हूं। और मेरी बात को खत्म करता हूं। शुक्रिया।